गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स मी शाना परवीन, योर साइंस टीचर. गाइस, वी आर हियर टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 12, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. गाइस, हमें क्या ज़रूरत होती है? टू स्टे अलाइव, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट. जिंदा रहने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नीड होती है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के. फूड हुआ, वाटर हुआ एंड ऑक्सीजन हुआ, ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि हर पार्ट अलग से तो बाहर से नहीं ले सकता है ना, तो इसीलिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं ये. वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं फ्रॉम द सेल्स टू द ऑर्गन्स दैट एक्सरसाइज दैम. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल्स से, ऑर्गन की सेल्स से. ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया. जो ट्रांसपोर्ट होता है ना न्यूट्रिएंट्स का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर होता है, इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. ठीक है, ये बहुत सिंपल होते हैं. तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इसमें एवरी पार्ट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है गाइस? वही कोई भी चीज़ हायर से लोअर की ओर मूव करती है, उस मेथड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है इसमें. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कैसे होता है ट्रांसपोर्ट? द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज टू स्लो. डिफ्यूजन की प्रोसेस जो होती है ना टू स्लो होती है टू वर्क इन बिग एनिमल. इतनी बड़ी बॉडी, वो तो एक सिंगल सेल थी तो उसमें डिफ्यूजन के थ्रू वर्क हो गया, लेकिन एक पूरी इतनी बड़ी ह्यूज बॉडी में या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन बींग, उसमें डिफ्यूजन जो है वो वर्क नहीं करता है. इस तरह के एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस वेल डेवलप्ड पिकअप एंड डिलीवरी सिस्टम, मतलब वेल डेवलप पिकअप और डिलीवरी सिस्टम होता है, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड डिलीवर करता है फूड एंड ऑक्सीजन को टू एवरी सेल इन द बॉडी. इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट अवे फ्रॉम द एवरी सेल इन द बॉडी. सेल से, सभी सेल से ही वेस्ट भी कैरी करता है. ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें क्या है गाइस? ब्लड के बारे में पढ़ेंगे हम. ब्लड क्या है गाइस? ब्लड वो फ्लूइड है विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स. वेसल्स क्या होती हैं गाइस? ट्यूब्स होती हैं एक तरह की, हमारी बॉडी है तो ऑर्गन ही, लेकिन ये है ट्यूब्स. ठीक है, तो ब्लड वो फ्लूइड है जो फ्लो करता है हमारे ब्लड वेसल्स में. इन ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के अदर पार्ट्स में. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी. ये कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स से सेल ऑफ द बॉडी में. ये और क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है ये बॉडी से. द ह्यूमन बॉडी कंटेन 3 to 5 liters ऑफ ब्लड. इतना ब्लड ह्यूमन बॉडी में होता है. इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड नोन एज प्लाज्मा. इसमें प्लाज्मा होता है इन विच 3 types ऑफ ब्लड सेल्स फ्लोट. प्लाज्मा इसमें पाया जाता है जो लिक्विड है, और इसके अंदर ब्लड सेल्स जो है वो फ्लोट करती रहती है. प्लाज्मा क्या है? इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. इट इज़ येलो इन कलर एंड कंटेन अबाउट 90% ऑफ वाटर. इट हैज़ फूड वेस्ट एंजाइम एट्सेट्रा डिजॉल्व इन इट. प्लाज्मा में फूड भी होता है, एंजाइम भी होते हैं, वेस्ट भी, सारे के सारे इसमें घुले होते हैं. ये क्या कंटेन करता है? प्रोटीन दैट हेल्प द ब्लड टू क्लॉट. ये प्रोटीन कंटेन करता है जिससे ब्लड क्लॉट में हेल्प होती है, यानी कि जिसके नाम मैं आपको बताती हूँ, फिब्रिनोजन जो होता है गाइज, ये ब्लड प्रोटीन होती है जो क्लॉटिंग में हेल्प करती है. और प्लाज्मा और सीरम में गाइज यही डिफरेंस होता है कि प्लाज्मा में तो ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन है पाई जाती है और सीरम में नहीं पाई जाती. यही तो डिफरेंस होते हैं प्लाज्मा और सीरम में. इसमें 3 types की सेल्स पाई जाती है हमारे ब्लड में. रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी वो होती है गाइज प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स जो होती है ना डिस्कलाइज शेप होती है. दे कंटेन ए रेड कलर पिगमेंट के अंदर पाए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है. ये जो हीमोग्लोबिन होता है गाइस, ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट इट टू द सेल ऑफ ऑल ओवर द बॉडी. ठीक है, हीमोग्लोबिन का फंक्शन है गाइस ये ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को. ठीक है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होता है? हीमोग्लोबिन के साथ टू फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन. एंड हीमोग्लोबिन हैव द कैपेसिटी टू अटैच 4 molecules ऑफ ऑक्सीजन ऑन इट. ठीक है, ये अपने ऊपर कंबाइन करने की जो कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन रखता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ये बाइंड कर सकता है. तो दिस इज अ रिवर्सिबल व्हेन ब्लड रीचेज इन सेल्स एंड टिश्यूज
विच नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीहोमोग्लोबिन अगेन चेंज टू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। ये वहाँ से जाके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया, वहाँ जाके सेल्स के अंदर जहाँ ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की, वहाँ फिर से ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो होगा वो यूज़ हो जाएगा तो सेल्स के थ्रू, और हीमोग्लोबिन तो रहता ही उसके अंदर, वो बिकम फ्री हो जाएगा टू कैरी मोर ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, वो फिर से और ऑक्सीजन कैरी करेगा। इस तरह से इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट है गाइस वाइट ब्लड सेल्स, दीज आर स्लाइटली लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स। ये थोड़ी बड़ी होती हैं साइज़ में, दे आर फ्यूअर इन नंबर देन रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का नंबर गाइस मिलियंस में होता है, इसका थाउजेंड्स में होता है, ठीक है। 6,000 से 11,000 पाई जाती हैं ये बॉडी में, वो मिलियंस में पाई जाती हैं। तो देयर मेन फंक्शन इज़ टू फाइट अगेंस्ट डिसीज़। इनका मेन फंक्शन क्या है? बीमारियों से लड़ना। WBC के भी बहुत सारे टाइप होते हैं गाइस, टेस्ट भी कराए जाते हैं इसके लिए, TLC DLC, उसमें पता चल जाता है नंबर बढ़ रहा होता है। तो दैट मीन्स कोई आपको इन्फेक्शन या डिसीज़ है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं ये दीज आर स्मॉलर देन RBC, ये RBC से छोटी होती हैं। दे हैव द ब्लड टू क्लॉट वेन एवर देयर इज़ वुंड ऑन द बॉडी। अगर बॉडी में कोई वुंड है, कोई जख्म हो गया है, तो उसको हील करने के लिए इनका ये फंक्शन होता है। ये जो क्लॉट है प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड एंड सेव ब्लड लॉस। अगर ये प्रिवेंट नहीं करेगा तो ब्लड लॉस भी होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ फोर काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, AB, AB and O। डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो